गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग बच्चों। मस्ती से घर में रहें। आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10 या तो बोले क्लास 8 का एक चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10 के लहजे से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एसिड। ये एसिड क्या होता है? तो बचपन में तो हम लोग पढ़ते थे एनी साउर सब्सटेंस इज नोन एज एसिड। जो भी सब्सटेंस खट्टा हो वो एसिड होता है। लेकिन अब पढ़ेंगे थोड़ा सा चेंज करके एनी सब्सटेंस दैट फर्निश हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन वाटर इज नोन एज एसिड। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोनियम आयन पानी में घुलने के कारण देगा उसको बोलेंगे एसिड। तो एसिड क्या, एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें कि एसिड के प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अगर एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो हम लोग बोलेंगे नंबर वन, एसिड्स आर शावर इन टेस्ट। शावर इन टेस्ट, एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं। सेकेंड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक्चुअली होता है पर्पल कलर का। लिटमस पेपर एक्चुअली होता है पर्पल कलर का। आपने लिकेन सुना होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी नोन एज लिकेन। वो लिकेन से ही बनता है लिटमस पेपर और मार्केट में अवेलेबल होता है लिटमस पेपर पतले पतले स्ट्रिप के रूप में। इस तरह के स्ट्रिप के रूप में लिटमस पेपर अवेलेबल होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप रेड किसी भी एसिड में डालते हैं, लिटमस पेपर ले लीजिए और नींबू में सटा दीजिए, वो लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। थर्ड प्रॉपर्टी, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। नेक्स्ट, एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड्स। कलरलेस, एसिड्स का कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता। नंबर फाइव, एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर। एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर, अगर एसिड आपके शरीर में गिर जाए तो ये कोरोजिव नेचर का होता है, आपके शरीर को जला देता है। तो ये तो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। अब यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड्स, एसिड को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड्स जिस एसिड को हम लोग कभी कभार नेचुरल एसिड्स भी बोलते हैं, एक सेकेंड कैटेगरी होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स। अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें जो नेचुरली हम लोग को मिलता है, जैसे अगर हम बात करें एप्पल, तो हमारे एप्पल में होता है मैलिक एसिड। अगर हम बात करें टमरिंड, इमली,
टमरिंड, इसमें होता है टार्टारिक एसिड। अगर एंट स्टिंग की बात करें, एंट स्टिंग जब कोई चीटा हमें काटता है तो वह देता है हमें फॉर्मिक एसिड। हमारे कर्ड दही में, दही में होता है लैक्टिक एसिड। तो ये सब जो एसिड है हमारे शरीर के लिए उतने नुकसानदायक नहीं है, ये सब होता है ऑर्गेनिक या तो मिनरल एसिड्स। लेकिन इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड जो खतरनाक होते हैं, इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया। नंबर वन H2SO4, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बात करेंगे सबसे खतरनाक, और इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं फादर ऑफ केमिकल्स। इसको फादर ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगभग सारे केमिकल सब्सटेंस बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ केमिकल्स और फादर ऑफ एसिड्स। उसके बाद होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है HNO3, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये तीन होते हैं मिनरल एसिड्स जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये बोल सकते हैं कि ये मिनरल एसिड्स को हम लोग ये भी बोल सकते हैं। अब इस इनऑर्गेनिक एसिड को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो गया वीक एसिड। तो ये जो तीनों होते हैं H2SO4 या तो HCl या तो HNO3, ये तीनों आते हैं कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब अगर यहाँ एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड H3PO4 फॉर्मिक एसिड, ये सब जो एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड, ये कैटेगरी में आते हैं वीक एसिड के, और सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब एसिड के बारे में दो और कंसेप्ट पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। दोनों में अंतर क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में दोनों में अंतर है। कंसंट्रेटेड का मतलब बोल सकते हैं सूखा एसिड, सूखा, और इसको बोल सकते हैं गीला एसिड। मतलब कंसंट्रेटेड एसिड में नो वाटर, पानी नहीं होता है, और डाइल्यूट एसिड में पानी होता है। जितना ज़्यादा पानी मिलाइएगा उतना ज़्यादा वो डाइल्यूट होता जाएगा। देखिए, जो स्कूल कॉलेजेस में एसिड इस्तेमाल होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वे लिक्विड रूप में नहीं रहते, वो पाउडर के रूप में रहते हैं। आप अगर मार्केट में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह एसिड खरीदने के लिए जाते हैं स्कूल लेबोरेटरी के लिए, तो वो पाउडर फॉर्म में रहते हैं। उस पाउडर फॉर्म को बोलते हैं कंक एसिड, इसको कभी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कंक एसिड, कभी कभी लिखा रहता है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा कंक H2SO4। ये कंक क्या है? ये कंक है कंसंट्रेटेड, ये सूखा हुआ H2SO4 होता है। आपको उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, अपने इस्तेमाल के मुताबिक उसमें पानी मिलाना पड़ता है, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, और स्कूल लेबोरेटरी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। चलिए, आज हमने पढ़ा एसिड। एसिड क्या बोलते हैं? एनी सब्सटेंस विच फर्निस हाइड्रोनियम आयन इन द वाटर इज नोन एज एसिड। एसिड का प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, एसिड्स आर साउर इन टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में जल्दी घुल जाते हैं, एसिड्स आर कलरलेस, एसिड का कोई कलर नहीं होता, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, वो कोरोसिव होता है। अगर एसिड हमारे शरीर में गिर जाए तो स्किन को बर्न भी कर सकता है। आप सुनते होंगे बहुत सारे लड़के लड़कियों के चेहरे में एसिड फेंक देते हैं, वो बहुत घृणात्मक बात है। टाइप्स ऑफ एसिड, दो तरह के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जिसको नेचुरल एसिड भी बोलते हैं, जो हमारे घर में हम लोग खाने के दही खाते हैं, इमली खाते हैं, सेव खाते हैं, तो ये सब में ऑर्गेनिक एसिड होता है, जो हमारे शरीर के लिए उतने नुकसानदायक ना है, लेकिन परसेंटेज कम हो। ये नहीं कि सर नुकसानदायक नहीं होता है तो देर दनादन खा रहे हैं, वो नहीं। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड के रूप में कैटेगरी में बांटा गया। इनऑर्गेनिक एसिड में सबसे तीन स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड तीन होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक
एसिड, और उसके बाद हमने पढ़ा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिस और सॉल्ट। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एपेक्स ट्यूटोरियल। चास और अनलॉक वन चालू हो चुका है। अपने आप को सेफ रखें, अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। थैंक यू।